हेलो एवरीवन माय नेम इज चंदन सिंह सो गाइस किसी व्यूअर ने मुझे ये एक आर्टिकल भेजा है बोला है कि इसकी पार्सिंग करके दिखाइए तो करते हैं कोशिश करते हैं तो यहाँ लिखा है कि पेंट फैक्ट्री फायर इन अलीपुर क्लेम सेवन लाइव्स मेनी हर्ट सबसे पहले देखिए ये हमारा एक प्रापोजिशनल फ्रेज है है ना इन अलीपुर तो हमारा ये सब्जेक्ट हो गया फिर पेंट फैक्ट्री फायर तो ये सब्जेक्ट पढ़ के ऐसा लग रहा है कि कोई पेंट की फैक्ट्री है उसमें कहीं पर आग लगी ऐसा लग रहा है ना और वो कहाँ पर है तो इन अलीपुर है तो यहाँ तक हो गया अब ये जो क्लेम्स है ओके okay? तो क्लेम्स सेवन लाइव्स जब इस तरह से किसी की जान चली जाती है ना तो वहाँ पर ये शब्द यूज किया जाता है क्लेम्स तो चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम तो इसको पास्ट समझेंगे लिखने का स्टाइल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर तो हम ये जो क्लेम्स सेवन लाइफ का मतलब है कि सात लोगों की जान चली गई हालांकि क्लेम का मतलब होता है दावा करना तो यानी कि ये जो पेंट फैक्ट्री फायर ऐसा दावा करता है कि सात लोग चले गए मर गए तो यहां कभी भी अगर कोई एक्सीडेंट हो उसमें क्लेम के साथ अगर ऐसे आए ना सेवन लाइफ थ्री लाइफ तो समझ लेना इतने लोग बचे नहीं मर गए ऐसे समझ लेना फिर है कि मेनी हर्ट अब यहां हर्ट का मतलब है कि वो घायल हो गए चोटिल हो गए मेनी अब हर्ट्स नहीं लिखा हर्ट लिखा है मतलब मेनी प्लूरल है तो यहाँ पर बहुत लोग घायल हो गए सात लोग तो चले गए भाई आप समझ गए चलिए अब नीचे भी देख लेते हैं यहाँ लिखा है कि यूनिट इन रेजिडेंशियल एरिया तो इसका ये पता चल रहा है कि जो पेंट फैक्ट्री का जो यूनिट होगा वो जो उनका जो जहाँ पे काम होता होगा वो कहाँ था इन रेजिडेंशियल एरिया ये शॉर्टकट से पता चल गया ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये बता रहा है यूनिट तो यूनिट का ये लोकेशन बता रहा है कहाँ पे यूनिट तो रेजिडेंशियल एरिया में फिर यहां पर लिखा है कॉप्स रजिस्टर केस अब चूंकि यहां कॉप्स प्लूरल में है तो यहां पर रजिस्टर भी प्लूरल में रजिस्टर्स नहीं है लेकिन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये हेडलाइन दिखाते हैं बट हम इसका मतलब क्या समझेंगे कि भैया पुलिस वालों ने केस को रजिस्टर कर लिया हम इसको डन समझेंगे बट तरीका ऐसा है बॉस हेडलाइन का तरीका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है फिर यहां पर लिखा है कि प्रॉब रीजन फॉर ब्लेज अब प्रोब का मतलब होता है जांच करना ओके तो ये कॉमा के बाद प्रोब है तो प्रोब मेरा वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट किधर है ये कॉप्स होगा यानी कि पुलिस वाले ही जांच कर रहे थे तो चूंकि ये कॉप्स है तो यहाँ प्रोब है एक कॉप होता है तो यहाँ प्रोप्स होता तो यही पुलिस वालों ने केस रजिस्टर भी कर लिया और इस पुलिस वालों ने क्या किया कि प्रॉब रीजन क्या कारण था फॉर ब्लेज ब्लेज का मतलब आग आग के लिए मतलब वो ऐसा कौन से कारण रहे होंगे उसका जांच भी शुरू कर दी प्रॉप रीजन फॉर प्लेस ठीक है अब आगे देखते हैं फुल स्टॉप पहले देखिए कहां पर है यहां पे फुल स्टॉप है यानी कि आपको इसकी पार्सिंग करनी है बॉस ये है करके देखते हैं यह लिखा है कि सेवन पीपल ओके डाइट एंड मेनी आर एक्सपेक्टेड टू बी इंजोर्ड इन अ मैसिव फायर दैट ब्रूक आउट इन अ पेंट फैक्ट्री इन अ रेजिडेंशियल एरिया ऑफ अलीपुर ऑन थर्सडे इवनिंग क्या बेहतरीन लिखा है वह यह कला आप सीखिए तो कैसे समझेंगे बॉस पहले तो देख रहे हैं कि सेवन पीपल डाइट डाइट हमारे यहां पर वर्ब है तो वर्ब से पहले जो आया वो मेरा सब्जेक्ट हो गया तो सात लोग ये सब्जेक्ट ये डाइट वर्ब सात लोग मारे गए मर गए डाइट मतलब मर गए एंड एंड मैनी आर अब यहां पर एंड करके फिर एक और सब्जेक्ट लगा दिया मैनी और ये आर लगा दिया यहाँ से मतलब ये सब्जेक्ट इसको सब्जेक्ट मानो तो इसको क्या मानो प्रेडिकेट मानो एंड मैनी आर एक्सपेक्टेड टू बी इंजर्ड मतलब ऐसा उम्मीद किया जाता है कि बहुत सारे लोग घायल हैं यहाँ टू बी इंजर्ड इंजर्ड यहाँ पर कौन सा काम कर रहा है एडजेक्टिव का, का काम कर रहा है अब ये एक्सपेक्टेड के साथ ऐसा होता है एक्सपेक्टेड टू बी वॉट तो टू बी के बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेड टू बी गुड बैड मैरिड इंजर्ड तो बहुत सारे ऐसे हैं ऐसा ऐसी उम्मीद है कि वो बहुत सारे लोग घायल है ये हो गया किस चीज़ में मर गए किस चीज़ में घायल हुए तो इन अ मैसिव फायर फायर से पहले मैसिव लगाया मतलब ये एक एडजेक्टिव है ये फायर के उस डिग्री को बता रहे है कि किस तरह का फायर था भीषण फायर था बहुत बड़ा था मैसिव था बहुत बड़ी आग थी तो इन अ मैसिव फायर तो हो गया बहुत बड़े आग में अब वो लोग मारे गए और घायल हो गए अब फायर के बगल में यहां पर दैट क्यों लिखा है ये दैट आखिर क्या बना है तो ये जो दैट है ये आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है इस दैट का मतलब है जो यानी कि दैट ब्रोक आउट इन अ पेंट फैक्ट्री मतलब इस दैट के बाद जो सेंटेंस शुरू हो रहा है ये हमारा एक एडजेक्टिव क्लॉज बना रहा है क्योंकि फायर के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कौन सा फायर वही फायर दैट ब्रोक आउट ब्रेक आउट से बना ब्रोक आउट फायर जब जब आग लग जाती है तो उस लग जाने को बोलते हैं ब्रेक आउट तो सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा ब्रोकआउट तो जो आग लग गई कहाँ लगी इन पेंट फैक्ट्री किधर पेंट का मजा लीजिए रेजिडेंशियल एरिया किसके रेजिडेंशियल एरिया में ऑफ अलीपुर अलीपुर के कब हुआ थर्सडे इवनिंग को एकदम क्लियर यहां तक कोई तकलीफ नहीं आगे बढ़े चले अब अगला पॉइंट यह लिखा है कि द ब्लेज वॉज सो स्ट्रांग अब वॉज से पहले देखो ये मेरा सब्जेक्ट है द ब्लेज ये सब्जेक्ट है ना और वॉज सो स्ट्रांग यानी कि मेरा एक स्टेट ऑफ बींग है इसमें कोई एक्शन नहीं है बता रहा है कि ये जो ये जो आग थी ये जो आँच थी, थी ये जो आग थी एक ऐसी थी वह सो स्ट्रांग बहुत पावरफुल थी अब स्ट्रांग मेरा क्या है स्ट्रांग मेरा एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले ये सो क्या होगा जो एडजेक्टिव की भी विशेषता बताया था वो एडवर्व तो ये एडवर्व हो गया सो ब्लेज वॉज सो स्ट्रांग इतना स्ट्रांग था अब दैट वॉल्स ऑफ हाउस वॉल्स ऑफ हाउसेस एडजस्टेंड टू द फैक्ट्री वर इम्पैक्टेड अब यहां पर यह दैट का क्या मतलब जरा सोच के बताए ये दैट क्या है ये क्या कर रहा है कई भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है सोचो <laughs> सोच के देखो नहीं ऐसे नहीं ये एक इस्तेमाल है सो so दैट का एक सो और दैट जैसे अगर मैं बोलूं कि ही सो स्टबन वो इतना स्टबन है जिद्दी है दैट ही विल नेवर लिसन टू यू कि वो तुम्हारी बात कभी नहीं सुनेगा उस तरीके से दिया गया द ब्लेज वॉज सो स्ट्रांग मतलब वो इतना ज्यादा स्ट्रांग था दैट वॉल्स ऑफ हाउसेस वहाँ जितने भी घर थे उनकी जो दीवारें थी कौन से घर एडजेसेंट टू द फैक्ट्री एडजेसेंट का मतलब सटा हुआ है जो फैक्ट्री से सटे हुए जितने भी घर थे उनकी जो दीवारें थे वो आर इम्पैक्टेड उन दीवारों पे फर्क पड़ गया बॉस इतना ज़्यादा स्ट्रांग था ठीक है मैं चाहूँ तो एक एक चीज़ को लिख कर समझा सकता हूँ बट आपने जो भेजा है ना इतना बड़ा भेजा है इसको सबको मुझे अगर ट्रांसलेट करना है तो मैं लिखूँगा तो बहुत टाइम हो जाएगा क्योंकि इस वक्त मैं शूट कर रहा हूँ रात के ग्यारह बज के बीस मिनट पर शूट कर रहा हूँ मैं और इसको मैं कल डालूंगा यू नो नेक्स्ट डे डालूंगा तो, तो यहां तक हो गया ना चल पहले तो देखो, को प्लूरल जाता है, इसलिए के साथ लगा है। और भैया केस को रजिस्टर कर लिया रजिस्टर्ड केस ठीक है एंड द कॉज अब ये जब एंड लगाते हैं तो एंड के बाद अगर यहां पर सब्जेक्ट हो गया एंड का मतलब इसने एक और सेंटेंस को जोड़ दिया है। तो एंड द कॉज अब कॉज के बाद क्या है बिहाइंड द blaze अब देखो prepositional फ्रेज का मजा लो बस देखो कॉज के बगल में यहां पे क्या लगा दिया बिहाइंड द blaze कॉज मतलब कारण बिहाइंड द ब्लेज का मतलब इस आग के पीछे का जो कारण है इज अब ये इज क्यों आया इस इज का मेरा मेन सब्जेक्ट कौन है इसका मेन सब्जेक्ट ये कॉज है ओके द कॉज इज बींग इन्वेस्टिगेटेड प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव है बॉस फाइल्स कॉपी किए जा रहे हैं फाइल्स आर बींग कॉपीड योर ट्रांजेक्शन इज बींग प्रोसेस्ड वैसे ही द कॉज बिहाइंड द ब्लेस इज बींग इन्वेस्टिगेटेड उस कारण का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है क्लियर कोई तकलीफ चलिए देखिए आगे ऑफिशियल्स ऑल्सो एडेड ट देखो ऑफिशियल्स मतलब जितने भी पुलिस वाले या जो भी रहे होंगे उन्होंने एडेड का मतलब कि एक और अपनी बात रखी स्टेटमेंट दे रहे होंगे उसमें एडेड एक और चीज ऐड एड़ किया एडेड वॉट ये एडेड मेरा वर्ब है तो इस वर्ब के बाद मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए तो ऑब्जेक्ट की जगह पे तो दैट कंजंक्शन लगा हुआ है यानी कि ये जो कंजंक्शन है ये जो दैट कंजंक्शन है ये जो सेंटेंस बनाएगा बॉस ये सेंटेंस क्या बनेगा एक नाउन क्लॉज बनने वाला है और उस नाउन क्लॉज के अंदर मुझे लगता है एडजेक्टिव क्लॉज भी घुसा दिया गया देखो कैसे ऑफिशियल्स ऑल्सो एडेड ऑफिशियल्स ने ये बात कही क्या कही दैट दोज अब दैट दो मेरा कंजंक्शन है किसका नाउन क्लॉज का तो इससे इसके बगल में जो शुरू होगा मैं पूरे सेंटेंस को नाउन क्लॉज बोलूंगा लेकिन उसके अंदर एडजेक्टिव क्लॉज भी छुपा हुआ है दोज कौन दोज हु डाइड वो लोग जो मर गए हैं वर कंप्लीटली चार्ड पूर्ण रूप से वो झुलसे हुए थे चार्ड का मतलब झुलसे हुए थे एंड हैव बीन सेंट और फिर यहां पर देखो हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव यूज किया है एंड हैव बीन सेंट उन्हें भेज दिया गया है को था किधर टू अ मॉर्चुरी मॉर्चुरी मतलब मुर्दा घर में भेज दिया गया फुल स्टॉप खत्म तो यानी कि मैं ये दैट से लेकर ये मॉर्चुरी तक इसको मैं नाउन क्लॉज मानूंगा बट इस नाउन क्लॉज के अंदर ये एडजेक्टिव क्लॉज भी छुपा हुआ है।, है तो है इसको कुछ कर नहीं सकते हैं अब देखो एन एफर्ट इज ऑन टू आइडेंटिफाई देम अब ये इज मेरा वर्ब है तो ये एन एफर्ट मेरा क्या हो गया ये सब्जेक्ट हुआ कि नहीं होगा एन एफर्ट इज ऑन प्रयास चालू है जारी है क्या करने का टू आइडेंटिफाई देम ये टू आइडेंटिफाई क्या है इसको बोलते हैं इनफिनेटिव टू आइडेंटिफाई देम उनको पहचानने का जो प्रयास है वो जारी है क्लियर आगे देखिए अब है कि डेली फायर सर्विस यानी कि डी एफ एस सेड तो ऑफकोर्स मेरा ये जो डेली फायर सर्विस है मेरा सब्जेक्ट है मतलब ये ऑफिशियल तक सब्जेक्ट है डी एफ एस है पूरा सब्जेक्ट है सेड मेरा है उन्होंने कहा क्या कहा अब जो बात कही वो मेरा ऑब्जेक्ट होने वाला है बट इन्होंने बीच में क्या किया इन्होंने कोई डैटवेट तो लगाया नहीं है देखते हैं क्या है? सेड दे गॉट अ कॉल एट 5:25 ट्वेंटी फाइव यानी कि फिर इन्होंने इसको डायरेक्ट स्पीच में बोला इनको क्या चाहिए था कॉमा लगाना चाहिए था ना ऐसे कॉमा लगाते इसको इन्वर्टेड में डालते ऐसा नहीं किया इन्होंने तो डी ने कहा क्या कहा कि दे गॉट अ कॉल एक्चुअली इन्होंने English लिखती ये ऐसी घुमावदार इंग्लिश लिख दी है मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच भी लिखना चाह रहे हैं बट दैट नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पर दे है अगर ये डायरेक्ट होता तो यहाँ वी होता बट ये स्टाइल होगा इनका चलो तो डी ने कहा क्या कहा कि दे गॉट अ कॉल उन्हें सूचना मिली एक कॉल मिला कब मिला एट फाइव ट्वेंटी फाइव पी एम पे पाँच बज के पच्चीस मिनट में कॉल मिला रिगार्डिंग द फायर रिगार्डिंग का मतलब है इससे रिलेटेड संबंधित फायर से रिलेटेड कहाँ पर इन दयालपुर मार्केट कहाँ पे आग लगी थी दयालपुर मार्केट में विच अब मार्केट के बगल में कॉमा है और यहाँ पर विच है यानी कि ये कहीं ना कहीं मार्केट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है या फायर के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है क्या लग रहा है आपको क्योंकि अब प्रॉब्लम यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि मैं जहाँ तुम मुझे बैठाओगे ना मैं ठीक उसके एंटीसीडेंट के बारे में ही इन्फॉर्मेशन दूंगा बट कई बार ये चीज़ सही नहीं साबित होती कई बार गलत हो जाता है जैसे वो फायर के बारे में कह रहा और यहाँ मार्केट तक मैंने बोला और मुझे मैंने यहाँ विच लिखा अब लोगों को लगे अरे यार ये विच तो मार्केट के बारे में बताएगा क्या पता तो फायर के बारे में है तो पूरा पढ़ना पड़ेगा विच विच सून फैंड आउट ऑफ फैंड आउट ऑफ कंट्रोल फैंड आउट का मतलब बढ़ गया इंक्रीज हो गया कंट्रोल से ज्यादा बढ़ गया तो मार्केट थोड़ी बढ़ा होगा फायर बढ़ा होगा तो बात फायर की हो रही यानी कि ये जो विच आया वो फायर के लिए आया ठीक है तो यहां तक समझ गया कि जो डीएफएस है उसने कहा कि उन्हें एक कॉल आया पांच पच्चीस पे फायर से रिलेटेड कहां पे दयालपुर मार्केट में विच सून फैंड आउट ऑफ कंट्रोल जो कंट्रोल से ज्यादा बढ़ गया ठीक है चलो आगे करें देखते हैं अब यहां पर है कि अपॉन रिसीविंग द इंफॉर्मेशन अब देखो ये एक बड़ा अच्छा तरीका है अपॉन भी कहते हैं कई बार ऑन भी कहा जाता है तो ये क्या होता है कि ये सेंटेंस जोड़ने के लिए ना प्रेपोजिशन से भी शुरू किया जाता है ये आपको कहाँ मिलेगा आपने कभी ग्रामर में सिंथेसिस का नाम सुना है बाहु सिंथेसिस आप सिंथेसिस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि दो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए कई बार हम प्रेपोजिशन से भी शुरुआत करते हैं तो लिखा है कि अपॉन रिसीविंग द इन्फॉर्मेशन यानी कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करने पर अब आगे क्या हुआ ट्वेंटी टू फायर टेंडर्स वर रस्ट टू द साइट ठीक है तो बाईस फायर टेंडर्स वर रस्ट यानी कि उन्हें रश किया गया पहुंचाया गया साइट पर ठीक है ये हो गया द फायर वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल मतलब पैसिव का अच्छा इस्तेमाल देखो रस्ट भी यहाँ भी इसको भी पैसिव में यूज़ किया गया है यहाँ देखो द फायर वॉज ब्रॉड ये मेरा सब्जेक्ट है यहाँ वॉज है ब्रॉड है भी पैसिव हो गया कि आग को ब्रॉड अंडर कंट्रोल कंट्रोल के अंदर लाया गया आफ्टर फोर आवर्स आफ्टर फोर आवर्स चार घंटे बाद किसके चार घंटे बाद आफ्टर फोर आवर्स आफ्टर फोर आवर्स चार घंटे बाद यह है आफ्टर विच आफ्टर विच का मतलब जिसके बाद अब पूरा समझो फायर वॉज ब्रॉट अंडर कंट्रोल आफ्टर फोर आवर्स चार घंटे बाद आग को कंट्रोल में लाया गया जिसके बाद आफ्टर विच अ कूलिंग एंड अ सर्च ऑपरेशन स्टार्टेड जब चार घंटे में आग मतलब एकदम ठंडा हो गया कंट्रोल में आ गया मतलब कंट्रोल में आ गया उसके बाद एक कूलिंग ऑपरेशन कि उसको ठंडा करो एंड सर्च ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया एन ऑफिशियल सेड एक ऑफिशियल ने सारी बातें बताई फिर यह लिखा रह, लिखा है कि अतुल गर्ग या कौमा है कॉमा के बाद यहाँ जो लिखा होगा हम समझेंगे कि अतुल गर्ग के बारे में ही यहाँ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है एक अपोजिशन है मैं मैं बार बार कह रहा हूँ मैं सब आपको लिख कर समझा सकता था बट आपने जो भेजा है ना बहुत बड़ा है मैं लिखूंगा तो टाइम वेस्ट होगा बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा तो मैं ऐसे ही ओरली समझा देता हूँ कि यहाँ लिखा है कि अतुल गर्ग और यहाँ लिखा है डायरेक्टर ऑफ तो अतुल गर्ग कौन है डायरेक्टर है ऑफ वाट ऑफ डी एफ एस डी एफ एस के डायरेक्टर ततुल तो गर्ग जो डी के डायरेक्टर हैं सेड उन्होंने कहा क्या कहा कि वन फायर फाइटर्स टैकल्ड द बिलेज अब देखो तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया 150 फिफ्टी फायर फाइटर्स ये सब्जेक्ट है टैकल किया ये वर्ब है क्या टैकल किया ब्लेज़ को आग को संभाला डील किया 150 सौ पचास फायर फाइटर्स ने ही सेड उन्होंने कहा कि नो एन ओ सी फॉर फायर सेफ्टी वॉज गिवन टू द फैक्ट्री अब देखो वॉज गिवन मतलब पैसिव हो गया तो ही सेट ही सेट वॉट ये तो इनका हो गया सब्जेक्ट यहाँ पर वाट अब ये जो है ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है बट यहाँ पर भी क्या है कि ही सेट नो एन ओ सी फॉर फायर सेफ्टी तो ये जो नो एन ओ सी से लेकर यहाँ तक जो है ये सब्जेक्ट हुआ वॉज गिवन मतलब पैसिव के अंदर है? तो पैसिव में अपना एक सब्जेक्ट होता है ना जो डूअर नहीं रिसीवर होता है तो नो एन फॉर द फायर सेफ्टी वॉज गिवन टू द फैक्ट्री फैक्ट्री को कोई भी फायर सेफ्टी का एन नहीं दिया गया था ठीक है चलिए आगे देखिए आगे देखिए जी अब देखिए अपार्ट फ्रॉम द पेंट फैक्ट्री पेंट फैक्ट्री के अलावा अ फ्यू शॉप्स एंड अ रीहेबिलिटेशन सेंटर वर रनिंग इन साइड द स्ट्रक्चर यानी कि स्ट्रक्चर का मतलब है कि जिस बिल्डिंग के अंदर पेंट फैक्ट्री फैक्ट्री थी तो उस फैक्ट्री के अलावा अपार्ट फ्रॉम का मतलब उसके अलावा उसके अतिरिक्त अफ्यू शॉप्स कुछ दुकानें भी थी है ना अफ्यू शॉप्स एंड अ रिहेबलीटेशन सेंटर तो देखो यहाँ पर एक ये सब्जेक्ट हो गया फ्यू शॉप्स एंड लगा है एंड क्या है एक कंजंक्शन होता है क्या बोलते हैं इसको क्यूमलेटिव कंजंक्शन मतलब ये जोड़ता है एंड वाट और रिहेबिलिटेशन सेंटर तो देखो ये दो हमारे सब्जेक्ट हो गए इसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहा जाता है और प्लूरल है तो अब वर लग गया कि कुछ दुकानें और रिहेबिलिटेशन सेंटर वर रनिंग वो चल रहे थे कहाँ इनसाइड द स्ट्रक्चर इन स्ट्रक्चर में ही चल रहे थे अब स्ट्रक्चर के बगल में यहाँ लिखा है कि विच हैव अब मुझे जानना है कि जो फिर विच देखो फिर विच पर ध्यान दो कि ये जो विच है इस स्ट्रक्चर के लिए आया है या ये शॉप्स और रिहेबिलिटेशन सेंटर के लिए है बस ये बता दीजिए मुझे आप आखिर रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आया है सोचो सोचो तो देखो किसके लिए आया है विच हैव कोलैप्स्ड अब विच कैसे क्या समझो फिर हैव लगा है यानी कि सबके बारे में बात करा वो सारी दुकानें और रिहैब सेंटर जो है जो रन कर रही थी हैव कोलेप्स सारे के सारे कोलैप्स हो चुके हैं गिर गए हैं और फायर ऑफिशियल एडेड ऐसा फायर के ऑफिशियल ने कहा ऐड क्या मतलब एक बात रखी कोई कर्मचारी ने यहाँ तक एकदम क्लियर चलिए यहाँ देखिए यहाँ है कि पुलिस सेट पुलिस ने कहा सब्जेक्ट वर्क क्या कहा भाई कि दे हैड इवैक्यूटेड अ फैमिली और इवैक्यूएट का मतलब खाली कराना होता है उन्होंने फैमिली को खाली करा दिया था पास परफेक्ट लगाया दे हैड इवैक्युटेड अ फैमिली इवैक्यूएटेड टू अ सेफ प्लेस मतलब खाली करा के और भेज दिया वो भी टू से पता चल रहा है इवैकुएटेड अ फैमिली खाली कराया वेयर टू अ सेफ प्लेस तो काम चल गया ना कोई सेंटिमेंट कहने की जरूरत नहीं सेफ प्लेस पे खाली करा कर भेज दिया द पेंट फैक्ट्री इज रूइंड अब ये उसका एक स्टेट ऑफ बींग है कि पेंट फैक्ट्री अभी किस हालत में है रूइन बर्बाद हालत में एकदम नष्ट हालत में अब देखिए फायर ऑफिशल्स सेड जो फायर के जितने भी कर्मचारी उन्होंने कहा क्या कहा दैट अब यहाँ कंजंक्शन लगाया ना दैट द दा ब्लेज स्टार्टेड ऑन द ग्राउंड ब्लेज मतलब जो आग है वो शुरू हुआ कहाँ शुरू हुआ ऑन द ग्राउंड ग्राउंड पे शुरू हुआ ग्राउंड फ्लोर पे शुरू हुआ।, हुआ किसके ग्राउंड फ्लोर पे ऑफ द फैक्ट्री फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पे वो आग शुरू हुआ इट इज ऑल्सो सस्पेक्टेड ऐसा डाउट किया जाता है सस्पेक्ट किया जाता है दैट यह कि द फैक्ट्री हैड अ सिंगल स्टेयर केस अब यहाँ पर दैट यह क्या है ये कंजंक्शन ही तो है सस्पेक्टेड वॉट नाउन क्लोज हुआ कि नहीं हुआ दैट द फैक्ट्री यह की जो फैक्ट्री हैड अ सिंगल स्टेयर केस ये पोजिशन को दिखा रहा है कि फैक्ट्री के पास एक ही स्टेयर केस था एक ही सीढ़ी थी विद नो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट विद से यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उस मतलब स्टेयर के उनके फैक्ट्री में था विद नो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट उनके फैक्ट्री में कोई फायर फाइटिंग का कोई मशीन इक्विपमेंट कुछ नहीं था आग बुझाने का प्राइमा फेसी मतलब देखने में जो ऐसा लगा प्राइमा फेसी मतलब शुरुआती में इट सीम्स ऐसा लगता है ऐसा लगता है क्या द फायर एमिनेटेड प्राइमा फेसी का मतलब है कि ऊपरी तौर से जब पहली बार हम देखते हैं तो देखने में क्या लगता है कि क्या लगता है कि द फायर एमिनेटेड एमिनेटेड मतलब निकला एमिनेटेड निकला कहाँ से निकला फ्रॉम द एंट्री पॉइंट ऑफ द स्टेयर केस स्टेयर केस के एंट्री पॉइंट से बाहर निकला ड्यू टू विच ड्यू टू विच का मतलब था जिसकी वजह से द वर्कर्स वर अनेबल जो वर्कर्स थे वो बिल्कुल अनेबल थे सक्षम नहीं थे क्या करने में टू स्केप भाग ही नहीं सकती स्टेयर केस के पॉइंट भी था तो भाग नहीं सकते तो स्केप करने में बिल्कुल असमर्थ थे एन ऑफिशियल सेट ऐसा ऑफिशियल ने कहा ठीक है चलिए आगे देखिए अब है कि श्याम कुमार फिर कौमा है फिर यहाँ है कि हु लिव्स विद हिज फैमिली जस्ट टू स्ट्रीट्स अवे फ्रॉम द फैक्ट्री ये जो कॉमा है इस कॉमा से लेकर इस कॉमा तक जो है वो एडजेक्टिव क्लॉज वो बता रहा है कौन से श्याम कुमार इनके बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है वही श्याम कुमार हु रहते हैं कहाँ रहते अच्छा किसके साथ रहते विद इस फैमिली फैमिली के साथ रहते हैं जस्ट टू स्ट्रीट्स अवे दो ही गली छोड़कर रहते हैं फ्रॉम द फैक्ट्री फैक्ट्री से दो गली छोड़कर रहते हैं तो उन श्यामु कुमार ने सॉरी उन शामू कुमार ने बताया टोल्ड टोल्ड किसको को टी ओ आई टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया अबाउट द केओस केओस का मतलब जो अफरा तफरी मची थी उस तो उस केओस के बारे में बताया अब यहाँ केओस के बगल में लिखा है दैट एनसीड अब ये दैट क्या है ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये केओस के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो अफरा तफरी दैट एनस्यू का मतलब होता है हो जाना मतलब चालू हो जाना वो अफरा तर, तफरी जो मची उसके बारे में बताया फिर यह लिखा है कि माई एटीन ईयर ओल्ड एटीन ईयर ओल्ड ब्रदर ठीक है यहाँ देखो ईयर्स नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर ब्रदर वर्ड लिख दिया तो ब्रदर अगर लिख दोगे सन बॉय गर्ल लिखोगे तो फिर ईयर्स नहीं लिख पाओगे तो मेरे 18 साल के भाई ने और भाई के बगल में यह लिखा है शुभम जिसका नाम शुभम है तो ये सब एपोजिशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैड रिसेंटली स्टार्टेड वर्किंग हाल ही में उसने काम करना शुरू किया था इन द फैक्ट्री उसने बताया कि भाई मेरा अठारह साल का भाई शुभम जो हाल ही में फैक्ट्री में काम करना शुरू किया था लास्ट आई सॉ हिम लास्ट टाइम मैंने उसको देखा was during lunch. कितना प्यारा सेंटेंस देखो तो द लास्ट आई सॉ हिम वॉज ड्यूरिंग लंच कि लास्ट जो मैंने उसको देखा वो था तो ये अब वॉज आपका वर्ब है तो ये पूरा का पूरा द लास्ट आई सॉ ही पूरा का पूरा सब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ देख रहे तो द लास्ट लास्ट वाट द लास्ट आई सॉ हिम अंत में अंतिम समय में जब मैंने उसे देखा वॉज ड्यूरिंग लंच वो लंच के समय का टाइम था आफ्टर विच जिसके बाद ही रिटर्न टू द फैक्ट्री वो फैक्ट्री में चला गया एंड हैज बीन मिसिंग सिंस और तब से गायब है जब हम सिंस लगाते हैं तो फिर आपको प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करना पड़ता है देखो हैज बिन मिसिंग सिंस तब से वो गायब है देख रहे हो अब आगे देखो एज सुन एज आई वॉज इनफॉर्म्ड जैसे ही मुझे इन्फॉर्म किया गया अबाउट द फायर फायर के बारे में आई लेफ्ट माई वर्क मैंने अपना काम छोड़ा एंड हरीड टूअर्ड्स द फैक्ट्री फैक्ट्री की तरफ भागा आई ट्राइड रिंगिंग अप माई ब्रदर मैंने कोशिश की अपने भाई को रिंग अप करने की बट आफ्टर अ फ्यू मिनट्स कुछ मिनट बाद द फोन वॉज स्विचड ऑफ फोन जो था वो स्विच ऑफ था फोन वॉज स्विचड ऑफ देखो स्विचड ऑफ होता है स्विच ऑफ नहीं होता है स्विच ऑफ होता है एडजेक्टिव है से, से बता रहे हैं कि किस हालत में थी स्विच ऑफ हालत में थी अब देखो वी आर वरीड देखो वी आर वरीड वरीड सिक मतलब हम चिंतित मतलब है वरिष्ठ सिख मतलब चिंता के कारण बीमार पड़ गए हैं नो वन हैज बिन टेलिंग अस एनीथिंग कोई हमें कुछ नहीं बता रहा है तब से अब तक कोई कुछ बता ही नहीं रहा जब से हादसा हुआ तब से कोई नहीं बता रहा ऐसा कुमार ने कहा ठीक है अब देखो क्या है ड्यू टू ट्राफिक स्नार देखो ट्राफिक में अगर ये स्नार लग जाए तो इसका मतलब ट्राफिक जाम समझा करो तो ट्राफिक जाम की वजह से अच्छा ट्राफिक जाम यह लिखा caused by barricades. Caused by, है कॉज्ड बाय बैरिकेड्स देखो ये कॉज्ड बाय इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ट्रैफिक जाम किसके द्वारा कॉज्ड बाय बैरिकेड जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उसके द्वारा कॉज्ड बाय बैरिकेड सेटअप बैरिकेड सेटअप जो लगाया गया था फॉर द फार्मर्स प्रोटेस्ट फार्मर के प्रोटेस्ट के लिए जो लगाया गया था तो उसके द्वारा जो ट्रैफिक जाम था वो उस वजह से फायर टेंडर्स गॉट डिलेड आग बुझाने वाले को लेट हो गई देयर वर मैसिव ट्राफिक सनर्स बहुत बड़ा ट्राफिक जाम था इन द एरिया एरिया में कौन सा एरिया क्लोज टू द स्पॉट जो उस स्पॉट से क्लोज है ड्यू टू विच जिसकी वजह से वी हैड टू मेक हैड टू करना पड़ा मेक सेवरल डाइवर्सन कई बार कितना घुमाओ घूम घूमना पड़ा अब फायर ऑफिसर सेड ऐसा फायर ऑफिसर ने कहा देख रहे हो बहुत कुछ इसमें सीखने लायक है बस ये है कि अभी मैं लिखकर इसलिए नहीं समझाया कि भैया बहुत टाइम लग जाएगा तो मैंने आप पूरे को ट्रांसलेट कर दिया है आई होप कि आपको समझ में आया होगा सो थैंक यू गाइज थैंक यू